साथ अब आप चिकन फ्राई करने लगे, ठीक है, इसको हमने काफी अच्छी देर मैरिनेट कर लिया है और तेल जो है ना, नहीं इसको हमने काफी अच्छी तरह यहाँ पे शो के हिसाब से मैरिनेट कर लिया, लेकिन इसको 3 to 4 आवर्स अगर आप मैरिनेट करें ना तो बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा, क्योंकि बटर मिल्क है सही। वो सोक अपने फ्लेवर्स करेगा चिकन में तो ज्यादा। तो ये जो चिकन मैरिनेशन थी इसको हम अब डालने लगे हैं पैन में, और मैं काउंटर पे आ चुकी हूँ। एक हमारी जो बीफ वाली डिश है वो कहाँ चली गई? वो हमने अभी रख दी है, अभी रख दी है। अब हम चिकन बना रहे हैं, चिकन को फ्राई कर रहे हैं, ठीक है। चिकन को इसमें आपने कॉर्नफ्लोर लगा है, ठीक है, लगा के फ्राई करने रख देंगे। आपको यहाँ मेरे खड़े होने से कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही? ठीक है, नहीं होता है ना किचन में, अगर चले जाओ किसी के तो वो कहते हैं प्लीज आप साइड पे हो जाए, तंग ना करें हमें, मेरे साथ कोई आके मेरे सर करने वाले होते हैं उनको बोला जाता है मेरे साथ मेरे सर पे आके कोई खड़ा हो जाना, मैं कहती हूँ किचन छोड़ दो, मैं खुद काम करूं। अम्मी का भी सेम यही है। हाँ अच्छा, हम ये खवातीन में ज्यादा है, मर्दों में शायद नहीं। अच्छा really? ऐसा ही है मेरे हिसाब से, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर कोई आ जाए मैं तो बोलता हूँ हाँ ये चीज है, ये कर दो कुछ ना कुछ करो, वेजिस काटो। मुझे अपनी डिश में भी पसंद नहीं कि कोई हाथ पांव चलाए, कहते हैं ना टू मेनी कुक स्पॉइल द। मेरे खाने में कोई आए ना, बस मैं खुद ही करूँ जो करूँ। आजकल मेरी बड़ी बहन आई हुई है और वो, उनको बहुत शौक है खाने पीने बनाने, चीज़ें बनाने का। वो हमारे घर में ना सबको स्पॉइल करके जाएंगी। वो मेरी बहन के घर जाती हैं, वहाँ पे चीज़ें बना रही होती हैं, मेरे घर आती हैं, वो फल्ला सारा दिन वो कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं। वो कल कोई इतनी चीज़ें उठा लाई हैं, उन्होंने कहा है कि मैं कटलेट भी बनाऊंगी, मैं चॉकलेट डिश भी बनाऊंगी। मैंने कहा खुदा के लिए बस कर दें। अच्छा है ना, उनको बहुत शौक है कैरेट कप केक्स और पता नहीं क्या क्या बना रही होती हैं सारा दिन, हमें पता ही नहीं होता। मेरे घर में मेरी बारी वंस इन अ ब्लू मून आती है जब मुझे टाइम मिलता है, या फिर जब घर वाले रिक्वेस्ट होती है कि यार रोज खिला दो हमें, वो नमकीन गोश्त खिला दो या चांपे बना दो। ये कोरियन फ्राइड चिकन रेसिपी का जो बर्गर का जो रेसिपी है, उल्टा बोल गई, कोरियन फ्राइड चिकन बर्गर की जो रेसिपी है वो आपकी स्क्रीन पे है, उसका रेसिपी कार्ड चल रहा है। बट अगर आप मिस कर जाते हैं कोई भी चीज़, हमारे शोज जो हैं वो अपलोड हो जाते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यू कैन गो एंड कैच अप फ्रॉम देयर एंड यू कैन फॉलो दैट, आपको आराम से सारी रेसिपीज मिल जाती हैं जी। अच्छा ये हमारी चली गई, चम्मच चलाओ। बिल्कुल, यही फायदा होता है ना जब कोई आके खड़ा होता है। हाँ, साथ साथ काम हो जाएगा, साथ साथ काम हो जाएगा। हाँ, इसको कितना ब्राउन करना है? इसको ब्राउन करना है, ठीक है जी। और दूसरा इसके साथ हम क्या करें? इसके साथ हम सॉस तैयार कर रहे हैं, आप इसको जब तक देखें मैं सॉस रेडी, ठीक है? आप सॉस रेडी करें। सॉस के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? सॉस के लिए हमें, अभी आपको एक एक चीज बताता हूँ। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ज्यादा ही चम्मच चला दी। चलाएं चलाएं। अच्छा ऑयल भी मुझे कैमरामैन सारे इशारे करें, अजीब मुझे कह रहे हैं कि ना चलाएं ज्यादा टूट जाएगा। इस सॉस के लिए हम ऑयल जो यूज करेंगे वो सेसमी ऑयल है। सेसमी ऑयल, ठीक है। कितना चाहिए होगा हमें? आप मुझे बता दीजिए, मैं पकड़ा। 2 टेबल स्पून मैक्सिमम। और आपको क्या चाहिए? कश्मीरी, कश्मीरी ये लाइन से रखी हुई चीजें, ठीक है। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा सा हीट हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद चीजें एक बाय एक एक करके हम इसमें डालते हैं। इसको हमने गोल्डन से थोड़ा सा डार्क, गोल्डन करना है, गोल्डन से ज्यादा जरूरत, थोड़ा डार्क, ठीक है। अभी सॉस में फिर हम इसको डाल के टॉस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चाहिए आपको यहाँ से? मैं बताता हूँ आपको जी। अच्छा ये वही है कश्मीरी लाल मिर्च का, इसका प्रोसेस मैं बता देता हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च को हमने थोड़ी देर के लिए पानी में सोक करके रखना है, 30 मिनट्स बहुत होता है। सोक करके निकाल लें, उसका पेस्ट आपने बनाना है, हल्का सा सेसमी ऑयल उसके अंदर डाल के, ठीक है, उसका आप पेस्ट बना लें। सही सही है, उसका पेस्ट आपने यहाँ डाल देना है। ये देख लें जरा करीब से भी, साथ ही 1 टेबल स्पून आप जिंजर गार्लिक पेस्ट आप डाल देंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से मुझे जी क्या सोया सॉस पकड़ाइएगा, ये लीजिए। ये आप नहीं, दूर कोई बात नहीं, नहीं कुछ नहीं होता। अच्छा सोया सॉस और 1 टेबल स्पून सोया सॉस आपने डाल दिया, और आप विनेगर दे दें, ये लीजिए। थोड़ा सा पहले मुझे पानी दें, इससे पानी आपको ये ले, आप ऐड करते हैं थोड़ा सा पानी, बस 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 बस, ठीक है, ओके।
अच्छा अब आपको विनेगर दूं? विनेगर चाहिए मुझे, ये लीजिए। डाल दें ऐसा थोड़ा सा, एक एक टेबल स्पून के हिसाब से विनेगर डाल दें। इतना काफ़ी? काफ़ी है, ठीक है। और अब आपने मुझे केचप दे देनी है। केचप, ओके। डाल दूं सारी? जी सारी केचप सारी जाएगी, एक क्वार्टर कप केचप है। ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास ब्रेक का टाइम हो चुका है, हमें ब्रेक लेनी है। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ डाल दिए, क्या आखिर सिर्फ ब्राउन शुगर रह गया? वो भी आप डाल दें। ब्राउन शुगर कितनी डालनी है? ब्राउन शुगर हाँ आप डालें, हाथ से डालें, मैं बताता हूँ आपको। ये कम से कम जो है ना 3 से 4 टेबल स्पून आपने डालनी है। ठीक है, आई थिंक काफ़ी हो गई। बस बस कोरियन फ्राइड चिकन बर्गर की जो रेसिपी है वो हम देखें। अब ये एड अप कर रहे हैं इसमें चिकन, एंड हमने सॉस जो है बना दी थी, मुझे सॉस याद हो गई है। सॉस में टॉस कर रहे हैं हम लोग। सॉस में हमने क्या क्या डाला था सबसे पहले मुझे याद करने दें। सॉस में सबसे पहले सेसमी ऑयल डाला था, सेसमी ऑयल डाला, उसमें हमने कश्मीरी मिर्ची डाली, उसमें हमने केचप डाली, उसमें सोया सॉस डाला, सिरका डाला, शुगर डाली, ब्राउन शुगर, सॉल्ट डाला, 3-4 टेबल स्पून ब्राउन शुगर थी उसके अंदर। और ये देख लें जी, इसको हमने मैरिनेट कर लिया है इसमें, और हमने केचप भी डाली। अब ये रेडी है, अब इसको बर्गर में हम लोग, अब इसको बर्गर, इसको वैसे राइस के साथ भी खाया जा सकता है, इसको ऐसे भी खाया जा सकता है। yes. हमने इसको बर्गर में सिर्फ ये, इसको आपने क्या करना है, ये सेसमी इसके ऊपर कर दी, ठीक है, सेसमी सीड्स डाल दी हमने, ठीक है, ये रेडी है। ओके ये ऐसे भी रेडी है। ओके अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं वो ये वाली डिश खा सकते हैं? नहीं नहीं खा सकते। ओके हमने बर्गर के लिए मायनीज लिए। Okay. आप कोई भी बर्गर की ड्रेसिंग आप ले सकते हैं। ये तो मैं बनाऊंगी अपने घर में, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमने सिर्फ बर्गर को, बर्गर में उसको करना था तो हमने सिंपल जो बर्गर की ड्रेसिंग है हमने वो ले ली। इसमें हमने मायनीज ले ली, मेयोनीज हो गई साथ, हमने हमने सिर्फ इसके अंदर हम जो है ना क्यूकम्बर के साथ उसको, ठीक है, रखेंगे। उसके अलावा हमने इसमें पहले इसका वो डालना है, ये हमने बर्गर को, ओके Nice. अब आप देख लें, आपने ज्यादा उस पे अंदर, अब जो कहते हैं ना डबल पैटी, अब आपने डबल पैटी करनी है, सिंगल पैटी करनी है, आप मुझे तो सिंगल पैटी ठीक लगता है, डबल पैटी में तो मुंह ही आ ही रह जाता है बस आपका। हाँ बहुत वो, बहुत मुंह बड़ा हो जाता है उसमें और सब चीजें गिरना भी शुरू हो जाती है। थोड़ा सॉसी करना है तो ये सब आपके हाथ में है, ठीक है, ये हमने उसको थोड़ा सॉसी कर दिया हमने, ठीक है। इसमें आपने क्यूकम्बर्स लगाए ड्रेसिंग के लिए, लुक्स वेरी नाइस बाय द वे। और ये हमारा फ्राइड कोरियन बर्गर्स, चिकन बर्गर्स की रेसिपी तो आपकी स्क्रीन पे है। अब हमारा दूसरा, ये हमारे बर्गर्स हैं, उसको हम लोग बीफ को सिर्फ हल्का सा गर्म करेंगे और इसका फिर हम बॉल बनाएंगे, ठीक है। इसको लेटस को कहीं यूज करना है आपने?